गिरिशा, सबको पता तेरा फेवरेट सीजन कौन सा है? आई थिंक मेरा नहीं यार, सबका फेवरेट सीजन है शादी सीजन। ऐसा लगा था कि मैं लड़की देखने जा रहा हूँ। जब तक पी ना लूँ ना थोड़ा बहुत, मेरे अंदर का डांसर बाहर नहीं आता। बॉयज हॉस्टल में जब लड़के पार्टी करते ना, वैसी पार्टी थी फैमिली में। पंजाबीज नो हाउ टू पार्टी। उन्होंने ऑल एंजॉय। इस शादी का स्टार्ट से ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट यही है कि ये बहुत ही डाइवर्स कल्चर्स का ब्लेंड है। आई थिंक दैट इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। बट वी ऑलरेडी नो शादी के घर में इतना काम होता है कि कितने भी लोग हेल्प करने आ जाए, काम कम ही नहीं होता। इसीलिए मैं और नीरज आ गए आज शादी के घर में सारे काम की जिम्मेदारी अपने छोटे छोटे कंधों पे लेने। तो आज सिलेंडर उठाने से लेके घर सजाने तक, ब्राइड के फेशियल से लेके लड़के की मम्मी के हेयर स्टाइल का ख्याल रखते हम आ गए। सो दिस शादी सीजन विल इंश्योर एवरीवन गेट्स वेडिंग रेडी, ऑल थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर अर्बन कंपनी। हाय, मैं हूँ रोहन और मैं यहाँ पे शादी अटेंड करने आया हूँ, और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं, शादी में काम करने आया। यू टेक केयर ऑफ ब्राइड्स मैम्परिंग सेशन, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तू बहन का मैम्परिंग सेशन। ऑल थ्री ऑफ अस विल टेक केयर ऑफ द डेकोरेशन पार्ट, बिकॉज वो तो ऑलरेडी बहुत सारा है, एक इंसान नहीं देख पाएगा। एंड आंटी का मैम्परिंग सेशन मैं देख लूंगा, ठीक है? बिकॉज आंटीज लव मी। ये शादी ऑलरेडी इतनी इंटरेस्टिंग है कि शादी में आपको हमारा पंजाबी मुंडा रजत, एंड असमीज गर्ल प्रोमिता, इंडिया का एनीवेज हमारा इतना जो डाइवर्स कल्चर है ना, उसका जो ब्लेंड होगा ये ऑलरेडी इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि देखने में बहुत मजा आने वाला है। परोमिता की फैमिली एक्चुअली असम से है, सो दे डिसाइडेड कि हम रजत के घर पे सारी रस्में करेंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे लड़की वाले असम से लड़के वालों के घर बारात लेके आया है। दिस इज सो गुड। हाय लेडीज, हेलो 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 हेलो, नमस्ते नमस्ते। मैं कैसे सत्य कॉल वहां असम में कैसे? नमस्कार। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इन सबसे पहली बार मिली हूँ। घर के अंदर घुसते ही सब लोग इतने चिल थे कि सब कुछ अपने आप फ्लो में, इट फेल लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली एज सून एज आई मेट देम। चलो भाई, हमारा नहीं पैम्परिंग काम बहुत है, चलो चलो चलो। हम लोगों ने सारा काम ले लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी, एंड पूरे फैमिली मेंबर्स को बोला था आप लोग आज अर्बन कंपनी के प्रोफेशनल्स के साथ फुल ऑन पैम्परिंग सेशंस लो। तो आप इनसे मिलिए, ये है हमारे ब्राइड। आप इनको क्या सजेस्ट करोगे, क्या उनको अभी फेशियल या जो भी आपको क्या करें स्किन केयर के लिए? रेडियंस ग्लो की नीड है। अच्छा, हाँ जी, तो इन पे हम रेडियंस डर्मा क्लीनअप करेंगे। ओके, यस। यार जब पूरे घर में ना अर्बन कंपनी के प्रोफेशनल सबको पैम्परिंग सेशन दे रहे थे ना, तो बहुत प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब एक टाइम पे सब लोगों का, किसी का फेशियल, किसी का मैनिक्योर, किसी का पेडिक्योर, वो सब देख के ना मतलब इतना अच्छा लग रहा था दैट वी आर एक्चुअली मेकिंग एवरीबॉडी वेडिंग रेडी। जैसे कि आप पहली बार कब मिले रजत को? I met him online first. Online? हाँ. एक चीज which is like the best thing that you feel like that I really adore and I would like, ये इससे मुझे शादी करनी है. The feeling of love, the feeling of security, the feeling of the thing कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, that I got from him from a very initial stage. वो आर्टिफिशियल करा रही है जी, वो आर्टिफिशियल कर रही है जी। डोंट यू थिंक हमारे पास और भी काम है, तो हमें चाय बनाने चलना चाहिए। पॉइंट, आई थिंक इतना पानी काफी है। Hello. What's up? कैसा चल रहा है session? बढ़िया बढ़िया, all good, बहुत ज़्यादा. Okay, so basically पहले गुरुद्वारा wedding है परमिता रजत की, और उसके बाद there will be a reception party जहाँ पे हमने party करेंगे. Full on चाय stall की तरह ऐसे 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 जाएंगे. Look at this, exact 4 cup. क्या measurement है? जितने clueless हम थे उतनी ही अच्छी चाय बनी. लड़की देखने कहाँ जाऊँ?
आंटी पहली पाना आपके लिए आंटी मैं टेबल आगे करता हूँ आंटी ऐसे कैसे थैंक यू बेटा थैंक यू सच में चाय बहुत अच्छी बनी This is not a paid promotion. ऐसा सच्ची में बोल रहे आंटी मैं बोल रही हूँ फॉर्मेलिटी नहीं करी बहुत अच्छी चाय मैं कह रहा था कि है कुछ तो बात है तीन दिन आप ही मुझे चाय बना के तो गाइज चाय तो मैं अच्छी बना लेता हूँ लड़की की कमी है कमेंट एंड टैग ऑल द गर्ल्स हु वुड फील दैट आई एम सूटेबल फॉर देम हमने चाय बनाई अब पी के बताओ कि कैसी है दीदी आप चाय पियोगे अरे लो ना इन लोगों ने बनाई है दोनों ने पियो सच में हमने बनाई अमेजिंग आपको भी काम पे लगा दिया थैंक यू आई एम सो ग्लैड एंड सॉरी इनको हम पे भरोसा ही नहीं बोले इन्होंने बनी है मेरे लिए शी स्मार्ट चाय को यू बहुत अच्छी बना सकते हैं क्रेडिट ही ले लिया पूरा पूरा चाय तो कोई भी बना सकता है ये क्या बात हुई भाई दिल्ली की शादी है और दारू ना हो ऐसा हो नहीं सकता था तो मैं और नीरज हम दोनों गए दारू लेने पंजाबी वेडिंग जो है ना बेसिकली ऐसा नहीं होता कि सब लोग शादी में अंदर है ठीक है इनकी आधी एक पार्टी अलग चल रही होती है शादी की पार्किंग में मैंने सुना है इसको हाँ। कुछ कारोबार कहते हैं अभी अगले दो तीन दिन के लिए वो कार ये होगी अरे बढ़िया असली काम हो चुका है जिसके लिए नीरज काफी एक्साइटेड था शाम को हमने उस दिन प्लान किया एक छोटी सी पार्टी करने का क्योंकि रोहन ने नेक्स्ट डे किसी शूट के लिए इम्पोर्टेंट वापस मुंबई जाना था अब वो एनीवेज जा रहा था एंड शादी के घर में थे ही हम हमने कहा इसी बहाने पार्टी कर लेते हैं थोड़ी सी मुझे डांस करना बहुत पसंद है और यहाँ पे डांस डांस में इट वाज जस्ट फन इट वाज जस्ट पार्टी इट वाज जस्ट हैव फन वैसे वाला जोन था तो वाइब काफी सही थी सो आज रजत और परमिता की हल्दी है और आज बेसिकली इनके सारे रिलेटिव्स रजत के पंजाब से रिलेटिव्स आ रहे हैं और परमिता के आसाम से आ रहे हैं तो आज काफी मजा आने वाला है हल्दी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही सिंपल थी मैंने बेसिकली जो वेन्यू था हमारा हल्दी का रजत के साथ वो डेकोरेट करना था आज मेरे लिए प्राउड का मोमेंट ये था जब परमिता ने मेरे से खुद आके बोला दैट विल यू हेल्प मी विद माय हल्दी मेकअप हे द ब्यूटीफुल ब्राइड कल इस टाइम तक यू वोंट बी सिंगल एनीमोर सो वी देयर टू हेल्प यू आउट अभी भी टाइम है गाड़ी हमारे पास एक गाड़ी एक रेडी रखा हुआ है बाहर गाड़ी स्टैंड बाय पे है कुछ भी चेंज होता है माइंड बता देना उस टाइम पे सारी दुनिया की नजर ब्राइड पे होती है एंड जब आप ब्राइड को हेल्प करते हो तो वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है हैप्पी हल्दी गाइस यार रजत ऐसा है कि बोला जाता है जिस लड़के या लड़की की हल्दी होती है और जो कुवारा होता है हमारे साथ उसको अगर हल्दी लग जाए उसकी शादी हो जाती है जल्दी मुझे लगता है ये जितने भी लोग शादी के आसपास जाते हैं ना इनका कोई कल्ट बन जाता है उसके कोई भी सिंगल इंसान दिखता है इनको लगता है इसकी भी शादी करानी चाहिए जिसके लिए इन्होंने मेरे पे हल्दी लगा दी बॉयज हॉस्टल में जब लड़के पार्टी करते हैं ना वैसी पार्टी थी फैमिली में इतना फन यार मैं सही बताऊं कि ये मेरी शादी के बाद कोई ऐसी शादी है जिसमें मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम इतना एंजॉय कर रही हूँ कि कहीं भी जा रहा कोई कहीं गिरा पड़ा है कहीं कोई और कहानी चल रही है एंड द बेस्ट पार्ट वाज डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप बने हुए थे तो किसी भी ग्रुप में जाके बात कर ले अलग ही बात हो रही है टेंजेंट ही अलग है ऐसा चल रहा था पार्टी में हम बस ये जानना चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं तो हम क्वेश्चंस पूछेंगे आप आंसर करेंगे इनके लिए और आप आंसर करेंगे उनके लिए एक तो जैसे ही शादी के जस्ट पहले रैपिड फायर करते हैं They're walking in thin ice, ठीक है उनका झगड़ा नहीं होना चाहिए दो दिन बाद उनकी शादी है रजत का फेवरेट कलर कौन सा White. Is it, is she right? और परमिता का फेवरेट कलर ओ फेवरेट डेस्टिनेशन इनका इटली और इनका रजत का बैंकॉक ही हुआ इस is she right? Yeah. No. No.
What's his favorite dish? He तो chicken ही खाता है mostly. But क्या dish? Chicken. Chicken में कुछ होगा, biryani होगा, shawarma. इनका चेहरा देखा? No. No, he said no. Shawarma तो खाता है जहाँ जाता है shawarma. खाता favorite पूछो ना मैं. Butter chicken I love. Chicken बोला था मैंने. अरे इसलिए मैं आज यू. Specific. Butter chicken पंजाबी था यार only fan of butter chicken यार. हाँ. Garlic ना नहीं परोंठी भी मिल जाए बहुत यार. काफ़ी प्यार उमर उमर के निकला दोनों के तरफ से. दे न्यू अ लॉट ऑफ मैनी आंसर्स एंड इवन जो जो आंसर उनको नहीं पता था इट दे टुक इट इन अ वेरी स्पोर्टिंग वे. एक और चीज़ मेरे को पूछनी है. अंकल ने बताया कि और आंटी ने भी इनके मॉम डैड ने कि आपने कुछ असामी में बोला था हाथ मांगना जिसको बोलते हैं. शी टॉट मी लाइक 100 टाइम द सेम थिंग. अपुनर स्वालिक मोए ब्याह कुराबो खुजीशु. सब समझ में आया मुझे. इस शादी का स्टार्ट से ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट यही है कि ये बहुत ही दो बहुत ही डाइवर्स कल्चर्स का ब्लेंड है. परोमिता के मामा मामी आए तो हमने परोमिता की मम्मी से बात की थी कि हम दियोन दिया वाली रस्म करेंगे जिसमें हम दही लेके आए. तो बेसिकली आसामी कल्चर के अकॉर्डिंग पहले दामाद को खिलाया जाता है फिर उसका जूठा खाएगी इनकी बेटी. मुझे स्पेशली देख के बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स का सब देखना. तो दैट वाज एक्चुअली फन. एंड आई थिंक ये दो सेरेमनीज के टाइम पे द वे दीज फैमिलीज बॉन्डेड अप टुगेदर नो आई थिंक दैट इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट. द डी डे इज हियर. Wow, यार, these guys look beautiful. I mean, ऐसा होता है कि शादी वाले दिन एक अलग ही ग्लो होता है और ऐसे दोनों जच रहे हैं ना यार. बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब आप किसी चीज़ का पार्ट होते हो ना मतलब शुरू से जब से वो रस्में शुरू हुई होती है और जब आप एक्चुअली उनको ब्राइड और ग्रूम की लुक में देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है यार. बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों. परमिता और रजत दोनों सच में बहुत क्यूट लग रहे थे एंड आई थिंक दे आर एक्चुअली मेंट टू बी टुगेदर. एंड शादी के बाद आई जस्ट वांट टू से दैट प्लीज डोंट चेंज गाइस जस्ट स्टे द सेम बिकॉज आई फील राइट नाउ द बेस्ट पार्ट इज तुम दोनों ने एक बैलेंस बना रखा है. कहीं ना कहीं कभी एक गुस्सा होता है तो दूसरा बना लेता है दूसरा गुस्सा होता है तो पहला बना लेता है विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. प्लस एट द सेम पॉइंट द वे यू काइंड ऑफ हैंडल बोथ योर फैमिलीज इन दिस एंटायर सिचुएशन इज कमेंडेबल एंड कीप डूइंग द सेम एंड आई विश यू the best hashtag together and forever. तो यार शादी हो गई है एंड ये सबसे जिंदगी की ब्यूटीफुल फीलिंग होती है. कांग्रेचुलेशन गाइस. फाइनली दे आर मैरिड नाउ. मीट मिस्टर एंड मिसेस बेदी. यस ऑफिशियली मिस्टर. इट साउंड्स नाइस ना. इट हैज अ नाइस स्पिन टू इट. वी विश द बेस्ट एस फॉर यू. हैव अ हैप्पी हैप्पी मैरिड लाइफ. यार रिसेप्शन के बारे में ना मेरे से मत पूछना. मैंने एक्चुअली मैं बहुत पीली थी तो मैं खो गई थी. मैं तो मतलब दो दिनों में क्योंकि मैंने उसको अपनी फैमिली बना लिया तो वो जो होता है ना कि अपने जो पास वाले होते हैं घर के वो तो पता ही नहीं होता कहाँ पे एंड वाले फंक्शन में क्योंकि वो इतना पी के कहीं ना कहीं बस मज़े में खुशी में होते हैं. वो बस वो मेरा ही हाल था. If you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe जरूर दबाना and comment down below. Comments में क्या लिखना है? Comments में बताना है कि अगर आपकी आपके किसी जान पहचान वाले की शादी होने वाली है and you want to invite us to that wedding, we'll be a part of that family for 2-3 days, help them out with the entire thing and we'll come obviously with our sponsor, Urban Company. Also, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please comment में बताइए कि आपको रोहन वापस चाहिए आपके इन सारे videos में, ठीक है? Now, right now.